पर्यावरण संरक्षण और बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए वन विभाग ऊना ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल के तहत वन विभाग द्वारा जिला ऊना सभी शमशान घाटों में पीपल, बरगद और बिलपत्र के पौधे लगाने की शुरुआत की गई है। विभाग का दावा है कि इससे पर्यावरण संरक्षण में सहयोग तो होगा ही, इसके अलावा संस्कृति और परम्परा के अनुसार लोगों को भी सहूलियत होगी। गौरतलब है कि अंतिम संस्कार के समय बिलपत्र और आम के पत्तों को चंदन की लकड़ी के साथ शवदाह अग्नि में आहुति डाली जाती है। वन विभाग की इस पहल की स्थानीय लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। देश भर में वातावरण परिवर्तन के कारण पर्यावरण भी नित प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है। इस बदलाव के कारण मौसम भी बदल रहा है, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। वहीं बढ़ता प्रदूषण भी पर्यावरण में गर्मी को बढ़ावा दे रहा है। इस गंभीर विषय के मद्देनजर ऊना में वन विभाग ने एक विशेष मुहिम के तहत जिला के सभी शमशान घाटों में पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत बरगद, पीपल, बिलपत्र और आंवले के पौधे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत हरोली विधानसभा क्षेत्र की ललड़ी पंचायत से की गई है, जहां प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राम कुमार, वन मंडला अधिकारी यशुदीप सिंह और पंचायत प्रधान शियोगिता की अगुवाई में पौधारोपण किया गया। वन विभाग के मुताबिक ये सभी पौधे धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, इससे धार्मिक मान्यता बढ़ेगी, जबकि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ऊना वन मंडल की ओर से एक नई पहल की गई है, जिसका उद्देश्य न केवल फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है, वन संरक्षण करना है, बल्कि इसका उद्देश्य ये भी है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें पुराने अपने पुराण वेद और जितनी हमारी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें जिन जिन पेड़ों का वर्णन किया गया था और जिन पेड़ों की सदियों से पूजा की जाती है, उन पेड़ों का पौधारोपण जो है वो हम क्रिमेशन ग्राउंड के आसपास करने का हमारा उद्देश्य है इस पौधारोपण अभियान में। और साथ ही साथ उन पेड़ों की जो लकड़ी है वो भी क्रिमेशन के वक्त यूज होती है, तो इसी उद्देश्य को समझते हुए हमने इसका ये जो अभियान है चलाया है कि जिसमें कि जो सेक्रेट ट्रीज हैं, जैसे कि हमारा पीपल हो गया, बरगद है और बिल का पेड़ है, जिनको भगवान विष्णु, भगवान कृष्णा और भगवान शिव से संबंध लगाया गया है, वो वाले जो पौधे हैं वो हम उनका पौधारोपण जो है वो हम क्रिमेशन ग्राउंड्स के आसपास करेंगे। जबकि बीजेपी प्रवक्ता ने सरकार और वन विभाग की इस मुहिम की प्रशंसा करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर कदम बताया, जिससे यहां लोगों को छाप भी मिलेगी और प्रदूषण स्तर भी कम हो सकेगा, जबकि लोगों की इन पेड़ों के प्रति धार्मिक मान्यताएं भी बरकरार रहेंगी। राम कुमार ने कहा कि इन पौधों से ऑक्सीजन की दृष्टि से भी लाभ होगा, क्योंकि पीपल और बरगद 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। आज हमने ललड़ी के शमशान घाट में पीपल, बरगद, बिल और आंवला के पौधे लगाए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में जितने भी शमशान घाट हैं, उनमें से अधिकांश में कोई छाया वाले या धार्मिक दृष्टि वाले कोई पौधे नहीं है। गर्मी के मौसम में जब किसी व्यक्ति का संस्कार करते हैं तो लोगों को वहां खड़ा होने में बड़ी दिक्कत आती है गर्मी में। तो इस आज के अभियान से जहां एक तरफ लोगों की समस्या का समाधान होगा, वहीं जब किसी शमशान घाट में बरगद और पीपल, बिल और आंवला जैसे पौधे लगेंगे, तो उन शमशान घाटों का इसे सौंदर्यीकरण भी होगा और वहां जाने वाले लोगों को सुविधा भी होगी। तो इस शुभ कार्य के लिए मैं वन विभाग ऊना को यहां बधाई देना चाहूंगा। वहीं जनता ने भी सरकार और वन विभाग की इस मुहिम का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों की माने तो ये एक अच्छी मुहिम है, जिससे धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण होगा। सरकार ने जो बड़ और पीपल के वृक्ष लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। धार्मिक दृष्टि से तो ये माननीय है ही। इन पेड़ों से जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण पर्यावरण को साफ सुथरा करने का भी ये काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सरकार ने जो वृक्ष लगाने की योजना शुरू की है, हम उसका स्वागत करते हैं। वृक्ष लगाने से पर्यावरण जो है काफी साफ सुथरा हो जाएगा और लोगों की जो आस्था है वृक्ष के प्रति, जैसे पीपल का पेड़ है लोग पूजा करते हैं, बट का वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों की आस्था जो है उसमें मजबूती आएगी और
आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी और जो पोल्यूशन है वो कम होगा। ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की, हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं।